दोस्तों, टेक्निकल हेल्प गुरु में आप लोगों का स्वागत है। आज बताऊंगा कि डीजल अनुदान में आवेदन करने के बाद इंसर्टेड डाटा जो आता है उसके बाद आवेदन अंतिम समित कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्रम पर जाएंगे, डीबीटी एग्रीकल्चर वेबसाइट खोलेंगे। देखिए दोस्तों, आवेदन करने के बाद जो सक्सेसफुल इंसर्टेड सक्सेसफुल का मैसेज आता है और अंतिम सबमिट करने के लिए नहीं आता और समन्वयक के पास नहीं पहुंच पाता है, इसका सलूशन आज बताऊंगा आप लोगों का। चलिए मैं पहले का एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को बताऊंगा। आवेदन यहां से विवरण संशोधित, आप किसान के पंजीकरण का संशोधित कर सकते हैं। यहाँ से उनका ठीक कर रजिस्ट्रेशन नंबर दबकर, चलिए पीछे जाते हैं। पहले का स्क्रीनशॉट आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ से अंतिम सबमिट किया जाता है। यहाँ आएंगे, विवरण संशोधित क्लिक करेंगे। यहाँ अंतिम सबमिट डीजल अनुदान दे रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ यस खुल गया। यहाँ पंजीकृत किसान है, हाँ यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों खुलेगा, वेबसाइट स्लो चलता है, आप लोग जानबे करते हैं, इसका सर्वर लो चलता है। देखिए दोस्तों आ गया आवेदन संख्या, डालेंगे तो यहाँ से आपका आवेदन रिसीव नंबर डालेंगे तो आएगा। ये भी बताता हूँ दोस्तों, आवेदन संख्या कैसे प्राप्त करें। अपने स्टार्टेड डाटा आ गया तो आवेदन संख्या नहीं दिखाई देता है, तो आवेदन संख्या यहाँ से लेंगे। यहाँ जाएंगे डीजल अनुदान आवेदन में, यहाँ डीजल अनुदान आवेदन प्रिंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पंजीकरण नंबर पूछ रहा है, किसी के दाब देंगे। यहाँ मेरे ऊपर एक है, क्लिक कर दिए। वेबसाइट में ख़राबी है, अनलेवल एनी टाइम बताता है। देखिए दोस्तों इसका आवेदन नंबर यहाँ आ गया, सभी आप भी ऑनलाइन किए होंगे तो आवेदन आएगा ही, इंसर्टेड डाटा है ये। यहाँ के फिर रिफ्रेश मारेंगे, कॉपी कर लिए हैं। ये सीएससी का खुल गया है दोस्तों, विवरण संशोधित पर फिर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ क्लिक कीजिए, आवेदन संख्या पेस्ट कर दीजिए। देखिए सक्सेसफुल हो गया, यस बता रहा है, नहीं गया होगा इंसर्टेड डाटा होगा, वो यहाँ पे ब्लैक होगा, यहाँ पे नो होगा, यहाँ हरा कलर से लिखा हुआ नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग को मार्फो या फिंगरप्रिंट का सेटअप चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इस वेबसाइट से कोई भी ख़राबी है तो आप मैसेज करेंगे। और पंजीकरण करने के लिए नया वेबसाइट जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में न्यू वेबसाइट लिखकर मैसेज करें। आप लोग का नया पंजीकरण करने का वेबसाइट बताऊंगा जो 24 घंटा चलता है और फास्ट चलता है। किसान रजिस्ट्रेशन का न्यू वेबसाइट का लिंक आप लोगों का दूंगा। देखिए दोस्तों इससे फास्ट चलता है, इसमें नहीं हो पाता है ठीक से रजिस्ट्रेशन, इसलिए
दूसरी वेबसाइट ने भी है इसका, जानने के लिए कमेंट बॉक्स में।